Welcome you all in the Bagadia Bal Vidya Niketan online classes. In Python programming language, the next topic is working in Python. अपन बात करने जा रहे हैं, next अपना topic आता है, वो आता है working in Python. In last video, we discuss about compiler और interpreter. अपन ने पढ़ा था कि compiler क्या होता है, interpreter क्या होता है, both are the translator. और पाइथन क्या यूज करता है, इंटरप्रेटर का यूज करता है. तो देखिए अपन कैसे अपन पाइथन के अंदर काम करेंगे. तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि पाइथन में काम करने से पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि पाइथन का जो इंटरप्रेटर है उसमें अपन काम करेंगे या अपन काम करेंगे पाइथन के एडिटर के अंदर. इट मीन्स जो कोड लिखने के लिए अपन को जिस सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी वो क्या होगा, अपना पाइथन एडिटर. अब देखिए पाइथन एडिटर है वो अलग अलग आते हैं, जैसे लाइक पाइथन सेल आता है, पाइथन जुपिटर नाम से आता है, या फिर पाइथन स्पाइडर है. ऐसे अलग अलग एडिटर अपन काम में ले सकते हैं. यहाँ पर अपन काम में लेंगे वो लेंगे पाइथन स्पाइडर. स्पाइडर क्या है, पाइथन का एडिटर है जिसके अंदर अपन कोडिंग करेंगे. अब दूसरा ये आता है कि कोडिंग करने से पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि पाइथन में काम कैसे करना है. तो देखिए पाइथन में काम करने के लिए अपन को ये पता होना चाहिए कि जो इंटरप्रेटर आता है पाइथन का, या अपन कहते हैं जो एडिटर है, वो टू मोड के अंदर आता है. इसके दो मोड होते हैं, कौन कौन से, इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड. फर्स्ट इज इंटरेक्टिव मोड. इन दिस मोड वन कमांड एग्जीक्यूट एट ए टाइम. इस मोड में ओनली वन कमांड एग्जीक्यूट होगी एंड गिव आउटपुट, और ये अपन को आउटपुट दे देगी. इट मीन्स कि यहां पर अपन कोई एक स्टेटमेंट लिखेंगे, एक ही कमांड लिखेंगे और देन अपन को उसका आउटपुट मिल जाएगा. दिस मोड डज नॉट सेव द कमांड. ये जो मोड है कमांड को सेव नहीं करता है. इन इंटरेक्टिव मोड यू टाइप द कमांड इन फ्रंट ऑफ पाइथन कमांड प्रॉम्प्ट. इंटरेक्टिव मोड के अंदर अपन जो कमांड लिखेंगे वो किसके अंदर लिखेंगे, सॉरी किसके सामने लिखेंगे, पाइथन कमांड प्रॉम्प्ट के सामने लिखेंगे. अब पाइथन कमांड प्रॉम्प्ट क्या होता है, ये जो देखो थ्री एंगल ब्रैकेट आपको शो हो रहे हैं, ऐसा आपको पाइथन कमांड प्रॉम्प्ट मिलेगा और इसके सामने अपन को अपना जो कोड है या अपन का अपना स्टेटमेंट है या फिर कमांड है वो लिखना होगा. इट इज ऑल्सो कॉल्ड इमीडिएट मोड. इसे अपन क्या कहते हैं, इमीडिएट मोड भी कहते हैं. अब देखो कैसे, सपोज दैट ये आपका कमांड प्रॉम्प्ट है, यहाँ पे आपने लिखा 2 + 5 और जैसे आप इंटरप्रेस करते हो एंड प्रेस इंटर, जैसे अपन इंटरप्रेस करते हैं तो अपन का रिजल्ट जो पाइथन देगा वो क्या देगा, 7 देगा. तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो इंटरेक्टिव मोड है आपके पाइथन इंटरप्रेटर है, टू मोड में काम करता है, इंटरेक्टिव मोड है वो क्या करेगा, वो लाइन हर एक लाइन को एग्जीक्यूट करके देगा. इट मीन्स आप ओनली वन कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वन स्टेटमेंट को या वन लाइन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और देन इसका आपको आउटपुट मिल जाएगा और ये कमांड को सेव नहीं करता है. और साथ ही साथ अपन को इंटरेक्टिव मोड में काम करना होगा तो अपन किसके सामने अपना कोड लिखेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट के सामने लिखेंगे, पाइथन कमांड प्रॉम्प्ट के सामने. नेक्स्ट अपना आता है वो आता है स्क्रिप्ट मोड. इन दिस मोड यू कैन सेव ऑल द कमांड इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम फाइल. ये जो स्क्रिप्ट मोड है इसके अंदर अपन एक से ज्यादा जो अपने स्टेटमेंट है या एक से ज्यादा जो कमांड है इनको सेव कर सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ फाइल, एज ए फाइल इनको सेव कर सकते हैं. एंड यू कैन सी ऑल आउटपुट लाइन्स टूगेदर, और आप अपने सारी लाइन्स का आंसर वो एक साथ देख सकते हैं, आउटपुट देख सकते हैं. टू सेव फाइल गो टू फाइल मेन्यू. फाइल को सेव करने के लिए अपन क्या करते हैं, फाइल मेन्यू में जाते हैं एंड सेव विथ .py एक्सटेंशन, और फाइल को अपन .py एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं. तो कहने का मतलब ये हो गया कि जैसा कि जो आपके इंटरेक्टिव मोड के अंदर ओनली वन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा था, वन कमांड एग्जीक्यूट हो रहा था, वैसे ही आपके स्क्रिप्ट मोड के अंदर है वो मोर देन वन कमांड है वो एग्जीक्यूट होता है, मोर देन वन कमांड है वो एक साथ आपके एग्जीक्यूट होता है, और जो कमांड है इनको अपन सेव भी कर सकते हैं इसके अंदर स्क्रिप्ट मोड के अंदर. और सेव करने के लिए अपन क्या यूज करेंगे, .py एक्सटेंशन का यूज करेंगे. तो अब देखिए अगर अपन बात करें कि कैसे अपन इसको यूज करेंगे, तो सबसे पहले अपन को क्या करना होगा, पाइथन इंटरप्रेटर है वो कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करना होगा. मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है पाइथन स्पाइडर. अब दूसरा कि अपन इसको कैसे काम में लेंगे, तो अगर अपन बात करें कैसे काम में लेंगे तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं,
अपन जाते हैं किसके अंदर, स्टार्ट के अंदर जाते हैं, और स्टार्ट के अंदर अपन सर्च करेंगे स्पाइडर। अब जैसे स्पाइडर का आपके सामने लोगो यहाँ पे शो हो रहा है, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो आपका स्पाइडर है वो ओपन हो जाएगा। ये मेरे पास ऑलरेडी ओपन है, आप देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार का इसका इंटरफेस आ रहा है, जिसके अंदर देखिए इधर जो आपका आ रहा है वो अलग से, अगर अपन बात करें, देखिए मैं इसको थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ, तो देखिए ये आपका इधर अपन बात करें जो अपने लेफ्ट साइड के अंदर है वो क्या अपना स्क्रिप्ट मोड है, और राइट साइड के अंदर जो नीचे आपको दे रखा है वो क्या दे रखा है, इंटरेक्टिव मोड दे रखा है। इसका जो इंटरफेस है थोड़ा सा अलग है, और जो आपका पाइथन कमांड प्रॉम्प्ट है वो आपको कहाँ मिलेगा, पाइथन सेल के अंदर मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाइथन इंटरप्रेटर है, या पाइथन कोडिंग अपन जो करते हैं वो अलग अलग सॉफ्टवेयर में करते हैं, वो सॉफ्टवेयर पाइथन स्पाइडर भी हो सकता है, पाइथन जुपिटर भी हो सकता है, और पाइथन सेल भी हो सकता है। और जो आपके कमांड प्रॉम्प्ट मिलेगा वो आपको कहाँ मिलेगा, पाइथन सेल के अंदर मिलेगा। यहाँ पे अपन बात करें तो मैं सबसे पहले आपसे बात कर रहा हूँ वो किसके बारे में कर रहा हूँ, पाइथन इंटरेक्टिव मोड के बारे में बात कर रहा हूँ। तो देखिए इंटरेक्टिव मोड के बारे में अगर अपन बात करें तो अपन को पता है कि पाइथन का जो इंटरेक्टिव मोड है वो ओनली वन लाइन ऑफ कोड को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो देखिए मैं इधर राइट साइड के अंदर मैं यहाँ पे कोई भी एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, और देन मैंने यहाँ पे एक मैसेज दिया वेलकम टू पाइथन। देखिए मैंने यहाँ पे ये लिखा है वेलकम टू पाइथन, ये आपका सिंगल लाइन ऑफ कोड मैंने लिखा है। आपको ध्यान में इतना रखना है कि पाइथन का जो भी सिंटेक्स अपन लिखते हैं वो किस में लिखते हैं, लोअर केस में लिखते हैं, इट मींस स्मॉल एबेसिटी का अपन यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखिए सिंटेक्स के अंदर आता है अपना प्रिंट कमांड या प्रिंट फंक्शन, प्रिंट फंक्शन अपन ने लिखा वो किसके अंदर लिखा है, स्मॉल एबीसीडी के अंदर लिखा है, लोअर केस में लिखा है। पर इसके अंदर जो मैंने मैसेज दिया है वो किस में दिया है, लोअर और अपर केस दोनों में दिया है। इट मींस आप मैसेज है वो लोअर और अपर केस दोनों में दे सकते हैं, पर आपको जो सिंटेक्स लिखना है वो किस में लिखना है, लोअर केस में ही लिखना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, कोई भी आपका फंक्शन है उसके आगे पैरांथेसिस होता है, और पैरांथेसिस के अंदर अपन ने डबल कोटेशन में मैंने लिखा है वेलकम टू पाइथन। तो ये अपना मैं आपको बताऊंगा कैसे अपन सिंटेक्स का यूज करेंगे, अभी मैं आपको ओनली ये बता रहा हूँ कि कैसे इसको यूज किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है प्रिंट और देन वेलकम टू पाइथन, इसका आउटपुट अपन को मिलेगा वेलकम टू पाइथन। कैसे मिलेगा, जैसे मैं इंटर करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अपन को आउटपुट मिल गया है वेलकम टू पाइथन। इट मीन्स इंटरेक्टिव मोड जो है वो ओनली वन लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करता है, एक साथ आप एक से ज्यादा लाइन नहीं लिख सकते। अगर आपको अगेन आपको करना है तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट लाइन आपको यहाँ पे लिखनी है। तो देखिए मैं नेक्स्ट लाइन यहाँ पे लिखता हूँ मैं प्रिंट, और देन मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो स्टूडेंट्स, अगेन मैंने डबल कोटेशन में इसको लिखा है, और जो प्रिंट है वो मैंने लिखा है स्मॉल लेटर के अंदर। अगेन मैं इंटर करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपका आउटपुट मिल रहा है हेलो स्टूडेंट्स। तो आप वन बाई वन है लाइन को लिखते जाएं और देन इंटर करते जाएं, आपका आउटपुट मिलता जाएगा। साथ ही साथ ये क्या नहीं करता है, आपके जो भी कमांड है या अपन कह सकते हैं जो भी लाइन या अपन कह सकते हैं जो भी स्टेटमेंट है, इनको ये सेव नहीं करेगा। तो ये अपना क्या है, अपना स्क्रिप्ट सॉरी इंटरेक्टिव मोड। नेक्स्ट अपन इधर बात करते हैं जो अपने लेफ्ट साइड के अंदर है, राइट साइड में अपना क्या हो गया इंटरेक्टिव मोड, और अपन लेफ्ट साइड में अपना क्या होगा स्क्रिप्ट मोड होगा। इसके अंदर अपन मोर देन वन लाइन को है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मोर देन वन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और ये क्या करेगा, जो अपन जितने भी स्टेटमेंट लिखते हैं उसको ये सेव करेगा। सेव कैसे होगा, फाइल में जाते हैं अपन और देन इसको सेव पे क्लिक करते हैं, और कोई भी फाइल है वो सेव किसके साथ होगी, डॉट पी वाई एक्सटेंशन के साथ। तो देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, और मैंने यहाँ पे लिखा वेलकम टू पाइथन, ये मैंने लिखा। एक और स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, और मैंने यहाँ पे लिखा हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए मैंने मोर देन वन स्टेटमेंट यहाँ पे लिखे हैं, इसको मैं सेव करूँगा तो फाइल में जाऊँगा और यहाँ पे सेव का ऑप्शन मिलेगा,
यहाँ पे कोई भी नाम आप यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे मैंने लिखा फर्स्ट फाइल डॉट पी वाई, डॉट पी वाई अपना क्या होगा, एक्सटेंशन होगा किसका, अपने पाइथन प्रोग्राम का, या अपन कह सकते हैं पाइथन की फाइल है वो किसके साथ सेव होती है, डॉट पी वाई एक्सटेंशन के साथ। एंड मैं मैंने इसको क्या करना है, सेव करना है। अब देखिए जो इंटरेक्टिव मोड में जैसे आप इंटर कर रहे थे आपका आउटपुट मिल रहा था, यहाँ पे अपन को अपना कोड है वो एग्जीक्यूट करने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन जाएंगे रन के ऊपर, रन पे क्लिक करेंगे तो अपन को एक ड्रॉप डाउन मेन्यू मिलेगा, यहाँ पे अगेन आपको ऑप्शन मिलेगा रन, इस पे अपन क्लिक करेंगे तो डायलॉग बॉक्स आएगा, और अगर डायलॉग बॉक्स नहीं आता है तो सीधा आपका आउटपुट यहाँ पे मिल जाएगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू पाइथन और देन हेलो स्टूडेंट, इट मीन्स ये जितने अपन ने कोड लिखे एक साथ उनका आउटपुट यहाँ पे दे रहा है। इंटरेक्टिव मोड क्या कर रहा था, ओनली वन लाइन का आउटपुट दे रहा था। इसके अलावा अपन बात करें कि अपने जो रन कमांड है, सॉरी अपना प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होता है, जिससे अपन कैसे करते हैं, रन पे जाके अगेन रन पे क्लिक करते हैं, तो इसका शॉर्टकट अपना क्या है, F5, F5 जैसे आप प्रेस करते हैं तो अगेन आपका आउटपुट आप देख पा रहे हैं, अगेन आपका आउटपुट मिल चुका है। जैसे मैं रन कमांड पे क्लिक, जो अपना रन कमांड है जो ये अपन कह सकते हैं अपना F5 है, इस पर क्लिक करते हैं तो अपना आउटपुट मिल जाता है। तो यह है शॉर्टकट अपना कैसे अपन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, और ये दोनों अपने इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड। थैंक यू।